सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपको तैयार शर्ट का नाप लेके उसी नाप से शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा कि कैसे नाप लें और कैसे उसकी साथ साथ कटिंग करें। तो ये दोनों चीजें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस फार्मूले से हमने नाप लेना चाहिए तैयार शर्ट का और किस हिसाब से हमने उसकी कटिंग करनी चाहिए। दोस्तों एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। काफी दिनों से हमारी प्लानिंग थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें, तो अब हमारा एक फाइनल हो गया है, हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन सीखना है, वो लोग 30 अप्रैल 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 30 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद मई में ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू करेंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये एक तैयार शर्ट है, इसका हम मेजरमेंट लेके और इसके मेजरमेंट से हम शर्ट की कटिंग करेंगे। मैं आपको शर्ट की कटिंग के मार्किंग लगा के दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले हम ये बिछा लेते हैं सामना। ये हमने कपड़ा बिछा लिया डबल। अब ये शर्ट, अब सबसे जरूरी तो ये है कि हम इसका मेजरमेंट कैसे लें। हमने बिल्कुल डिटो बनानी है, सेम बनानी है। एक सूत भी यहां से इधर उधर से लंबाई चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे लें, अब ये आप ध्यान से देखिए मैं कैसे लेता हूं इसका मेजरमेंट। ये आप ऐसे सिंपल इसको फ्रंट को बिछा लीजिए, पट्टी वाला फ्रंट है, इसको बिछा लीजिए। और ये जो तीरे में कॉलर में जो ये देखिए, यहां से आप ये फीता रखिए, ना इसको खींचना है ना फीतों को खींचना है। ये सिंपल यहां से तीन सूत ऊपर, इसकी तीन सूत, क्योंकि ये तीरे के अंदर तीन सूत दबा हुआ है, तो तीन सूत हमने ये ज्यादा लेना है, ये तीन सूत ज्यादा लेना है। अगर आप आधा इंच दबाते हैं तो आप आधा इंच ज्यादा लीजिए। तो ये तीन सूत ये दबा हुआ है, तो ये तीन सूत हमने ज्यादा, ये आराम से पहले इसको बिछा लीजिए। और ये जो तीरे से सामना हमारा जुड़ा हुआ है, इससे तीन सूत ऊपर लेके, और ये लंबाई ये देखिए, ये लंबाई है इसकी 29, ये 29 लंबाई है जो हम मार्किंग करेंगे। 29 लंबाई से अलग हम दबाव रखेंगे, तो ये 29 इंच हमारी लंबाई तैयार आनी चाहिए। तो ये पहले हम लिख लेते हैं, यहां पे लंबाई होगी 29, ये हमारी लंबाई होगी। अब चेस्ट का हम क्या करेंगे, चेस्ट का हम कैसे मेजरमेंट लेंगे, ये देखिए, ये जो बाजू का जोड़ है, ये जो जोड़ है बाजू का, यहां से इसकी बिल्कुल स्ट्रेट सीध में हम एक निशान लगा लेंगे। अब इसकी सीध कैसे बनाएंगे, ये देखिए, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आप स्क्वेयर से इसकी सीध बनाइए। ये सामना बिछाया, ये बाजू का है, ये आपका बाजू का निशान है, ये यहां से इस निशान से ये आप स्क्वेयर से इसका एक सीधा निशान लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे, इसको पहले बिछा लीजिए सामने को, ताकि स्क्वेयर आपका रखा जा सके। ये देखिए, अब ये आपका स्क्वेयर हो गया, ये सीधा स्क्वेयर हो गया। और इस निशान पे ये जहां बाजू जुड़ी हुई है, इस निशान से आप बिल्कुल ये सीधा निशान लगा लीजिए। ये हमने ये सीधा निशान लगा लिया है, ये सीधा निशान, यही हमारा आर्महोल है। अब ये देखिए, दबाव से ऊपर मैंने ये जहां पे ये जुड़ा हुआ है, तीन सूत का मार्जिन छोड़ के ऊपर निशान लगाया है, क्योंकि जब ये बाजू चढ़ेगी तो तीन सूत दब के चढ़ेगी आर्महोल को, तो ये तीन सूत ऊपर मैंने निशान लगाया है। ये निशान हमारा आर्महोल का भी निशान है, और यहीं से हमें छाती का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी है।
अब ये देखिए, ये 300 दबाव आपने अलग रखना है। ये तैयार कितना है? ये तैयार है 11.25 इंच। ये 11.25 इंच तैयार है और 300 का इसमें दबाव है। 11.25 और 300 कितने हो गए? 11.25, 11.5, 1 सूत। ये 11.5, 1 सूत हमारा सामना है। 11.5, 1 सूत हमारा सामना है। तो यहां से आप ऐसे ही रखिए दबाव समेत, क्योंकि आपको चेस्ट निकालना है। चेस्ट कैसे निकालना है वही देखना है। यही से 11.5, 1 सूत पे ये आपका फ्रंट मान लिया दबाव समेत। ये जो दबाव हुआ है, ये समय जितना दबाव हुआ है उतना आप इंची टेप आगे रख लीजिए। ये 3 सूत आगे हमने रख लिया, ये हमारा सामना हो गया 11.5, 1 सूत। ये टोटल सामना हो गया। अब इसमें आप 2.25 इंच की लूजिंग रखिए। ये 2.25 इंच पर निशान लगा लीजिए। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां 2.25 इंच पर निशान लगा लिया। अब आप इस निशान से ये देख लीजिए कि ये आपका सामना कितना आ गया। सामना आ गया हमारा 1.25, 1 सूत, आधा सूत है। तो ये 1.25, 1 सूत, 1.25 ही मान लीजिए आप। 1.25 से थोड़ा सा एक तार ज्यादा है तो 1.25। तो ये आपका अगर एक्यूरेट लेना है तो आपको यहां भी चाहे एक ही तार क्यों ना हो, चाहे आधा सूत क्यों ना हो, वो भी आपको लेके चलना है। तो ये देखिए, ये 1.25 से आधा सूत ज्यादा है, आधा सूत ज्यादा है। तो आप आधा सूत ही मान के चलिए, क्योंकि आधा सूत भी जब 4 हिस्सों में जाता है तो 2 सूत बन जाता है। अब ये इसकी चेस्ट कितनी हुई 1.25 के हिसाब से 37.5, इसकी 37.5 इसकी चेस्ट हुई। लंबाई 29, चेस्ट कितनी हुई 37.5। ये इसकी चेस्ट होगी। अब मुझे यकीन है आपको जो है ना, ये चेस्ट कैसे निकालनी है ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर दोबारा बता देता हूं इसको। ये आप निशान लगाइए आर्म होल का। ये निशान कहां लगाएंगे? जहां से बाजू और ये सामना जुड़ा हुआ है वहां से 3 सूत ऊपर आप ये निशान लगाएंगे बाजू की तरफ, क्योंकि इतना आर्म होल दब चुका है। तो ये एक सीधा निशान लगा लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रख के। तो ये सीधा, क्योंकि यही आपका आर्म होल का भी निशान है। और यहां से 3 सूत जो दबा हुआ है वहां से आगे 3 सूत ये सामना रख के, और यहां से 2.25 इंच की लूजिंग आप निकाल दीजिए, ये 2.25 इंच की। और यहां से आप देख लीजिए ये 1.25, आधा सूत, ये आपका 1.25 आधा सूत आता है। तो इसकी 1.25 आधा सूत को 4 बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 1.25 का 37 हो गया, क्यों 9 चौक 36 और 2 सूत हो गए 37, और आधा सूत का आधा इंच हो गया, क्योंकि 4 बार जुड़ेगा ये, तो 37.5 इसकी चेस्ट होगी। अब पेट, अब देखिए ये आपने निशान लगा लिया, अब आपको पेट का निशान भी मिल जाएगा। इसी हिसाब से आपको पेट का निशान लेना है। अब पेट का निशान कैसे लेंगे? ये लंबाई से और ये लंबाई से आप ये देखिए 20 इंच है, ये आर्म होल के निशान से 20 इंच है। तो इसका पेट का निशान कहाँ हुआ? 20 का सेंटर हो गया 10 और ऊपर 2 इंच, ये 2 इंच। अब ये आपका पेट का निशान हो गया। ये स्क्वायर से आप ये पेट का निशान लगा लीजिए, ये आपका पेट का निशान हो गया। यही तरीका है शर्ट का नाप लेने का, यही तरीका है। अब आप इसको जिस हिसाब से ये नापा है उसी हिसाब से 3 सूत ये बाहर निकाल के फीता ज्यादा रखे। ये 3 सूत हमने ये ज्यादा रख लिया है, ये 3 सूत। अब ये कितना है? ये 11 से 1 सूत ज्यादा है, 11 से 1 सूत ज्यादा है। अब उसको भी छाती के हिसाब से निकालिए। यहां से 2.25 इंच की लूजिंग निकाल दीजिए, ये 2.25 इंच की लूजिंग होगी। अब यहां से अब ये देखिए कितना बच गया, ये 9 से 1 सूत कम, 9 से 1 सूत कम। तो ये कितना आ गया?
9 चौक 36, अब एक सूत कम है तो 4 सूत कम हो गया, यानी आधा इंच कम हो गया, इसका पेट कितना हुआ 35.5। ये 9 से 1 सूत कम है, अगर ये पूरा 9 होता तो ये इसका पेट होता 36, लेकिन एक सूत कम है तो आधा इंच कम हो गया, एक सूत 4 जगह प्लस होगा सामना, ये दो साइड ये होगी, दो साइड दूसरी साइड होगी, तो 4 हिस्से हो गए, 2 हिस्से ये, एक सामना ये, बैक का एक हिस्सा ये, ऐसे ही दूसरी साइड का, तो 4 एक एक सूत 4 जगह जुड़ गया, तो 4 सूत कम हो गया 9 से 36 से 4 सूत कम, यानी आधा इंच कम, 35.5 इसका पेट हो गया, ये 35.5 इसका पेट हो गया। अब देखिए, अब इसका आर्म होल, हमने मुड्डे का निशान यही से उसी हिसाब से हम ये लेके चलेंगे, ये रेडीमेड शर्ट है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन हमने देनी है एज इट इज, तो हमने जितना ये मुड्डे का निशान बनता है उतना ही हमने मुड्डे का निशान लगाना है। अब ये 3 सूत ऊपर निकाल लीजिए इस जोड़ से, जहां से ये शर्ट का कंधा तीरे में जुड़ा हुआ है, यहां से 3 सूत ये हमने ऊपर निकाल लिया, और ये देखिए मुड्डा इसका कितना आ रहा है, ये 9.25 से, ये देखिए 9.25 से वही आधा सूत ज्यादा आ रहा है, 9.25 से आधा सूत ज्यादा ही आ रहा है, ये देखिए, तो वही 37.5 के हिसाब से इन्होंने मुड्डा लिया हुआ है, 1/4 इसने मुड्डा, जैसे हम कम करते हैं 0.25 इंच, उसी हिसाब से इसने कम नहीं किया हुआ है, क्योंकि रेडीमेड शर्ट है, ये किसी भी तरीके से काट सकते हैं, लेकिन हमने इसके हिसाब से, इस मेजरमेंट के हिसाब से चलना है। ये देखिए ये कुछ कम हुआ, 2 सूत कुछ कम है, इसने चेस्ट से 2 सूत कम लिया हुआ है, लेकिन हमने क्योंकि मेजरमेंट ये शर्ट ठीक है कस्टमर को, तो हमने एज इट इज जितना ये है उतना ही हमने ये लेना है, ये करीब 9.25 है, तो 9.25 ही हमने इसका मुड्डा लेना पड़ेगा, तो इसका आर्म होल कितना हो गया 9.25। अब आगे जैसे जैसे इसका मेजरमेंट लेता जाऊंगा, निशान लगाता जाऊंगा, अब सबसे पहले हमने ये लंबाई का निशान लगाना है, ये हम पहले पट्टी का निशान लगा लें, अब लंबाई है इसकी 29, ये 29 है, प्लस आधा इंच जो मुड़ा हुआ है नीचे, ये जो दबाव है, ये जो दबाव है आधा इंच, हम इस दबाव का ले लेते हैं, तो 29.5 हम ले लेते हैं, ये हमारी 29.5 लंबाई होगी, ये 29.5 होगी, ये निशान लगा लीजिए पहले लंबाई का, और यहां से थोड़ा सा यहां तक, यहां से ऊपर हमने टेपर करना है, ये ऐसे टेपर करना है, ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अब इसका आर्म होल का निशान कितना था, मुड्डे का निशान 9.25 इंच, ये यहां से लेके और ये जो हमारा मुड्डे का निशान है ये 9.25 इंच है, तो हमने 9.25 इंच ही रखना है। अब ये 9.25 इंच, अभी ये जो दबाव है, दबाव समेत 9.25 है, तो दबाव समेत ये हमने 9.25 लेना है, क्योंकि ये तो दबना ही है, ये 9.25 इंच का इसका मुड्डा है, ये 9.25 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, अब इसका पेट का निशान ले लीजिए, ये 20 और 10 इसका सेंटर हो गया, 10 प्लस 2 इंच, ये 12 इंच पे ये इसका पेट का निशान आ गया, कटिंग का फार्मूला वही है, सिर्फ एक नाप लेना कि शर्ट का नाप हम कैसे लें, उसी हिसाब से हमने, क्योंकि एज इट इज जितनी जो साइज जहां से भी है हमने एज इट इज देना है, बराबर देना, इतना ही आना चाहिए हमारा सारा। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, बाकी बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।